So the last two sessions were really beautiful, and in the second session, we decided that we will go ahead with the folklore specifically, and of course, the archaeology. So I think, what do you think, Shahab, that we should first start with the folklore of Balochistan? Or एनीथिंग यू लाइक, मैं दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हूँ. I'm more interested in the folklore, I believe. So I think I would suggest that we can go ahead and start. And of course, to discuss the folklore is to understand the culture, and because folklores are always depicting the culture around it, right? So once we will go ahead and dive into the folklore of Balochistan, we will be more deeping dive into the culture and the people, the how they perceive things anciently and now. इस तरह है कि मतलब एवरी कल्चर, मतलब दुनिया में किसी भी कल्चर पे जाएं तो उन्होंने अपना मतलब एक लिटरेचर लिखा होता है. उस लिटरेचर में मतलब जो भी स्टोरी है वो नरेट करते हैं, मतलब वो फोक टेल्स में उसमें बताया जाता है. देयर इज अ मैसेज, मैसेज होता है, तो उस मैसेज को मतलब ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है. तो इस तरह है कि हमारे बलूचिस्तान में भी मतलब ऑफकोर्स लिटरेचर में मतलब बहुत सारे सिर्फ फोक टेल्स हैं, और मतलब उस स्टोरी में बताया गया था, मतलब किसी के ब्रेवरी की कहानी बताई गई है, किसी के मतलब हाउ दे फेल इन लव, मतलब उसमें बलूचिस्तान में जो अक्सर मतलब मैंने स्टोरीज पढ़ी हैं जो मुझे अक्सर पसंदीद होती है ना, गैरत, गैरत के नाम पे मतलब, और मतलब जुबान के नाम पे होती है कि मतलब एक दफा उसने कमिटमेंट कर दिया, एक दफा उसने चीज बता दी, तो उसी तरह मतलब वो उस तरह कंटिन्यू रहता है. तो इस तरह मुख्तलिफ फोक टेल्स हैं हमारे पास. तो लेट्स स्टार्ट विद द मतलब जिस तरह की हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन क्लोज किया था, द फोक टेल ऑफ लव, हानी शैमुरी. हानी शैमुरी मतलब बाकी के जो है हीर रांझा है और रोमियो जूलियट हैं, तो हमारे बलुस्तान के हैं हानी शैमुरीद. इस हानी शैमुरीद में मतलब इसमें जो फोक टेल है इसमें तीन चार मैसेजेस हैं, तीन चार मैसेजेस हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट लव, वो सिर्फ लव के बारे में नहीं है, उसमें मतलब बहुत भी बहुत सारे मैसेजेस मतलब हैं कि ये किस तरह होता है. तो हानी शैमुरीद मतलब चाकर आजम रिंद वाज अ पावरफुल पर्सन, पावरफुल पर्सन. उसकी मतलब इन्फ्लुएंस थी, ही वाज अ काइंड ऑफ द किंग इन बैक डेट्स. वो एक बादशाह थे और वो मतलब अच्छे खासे पावरफुल थे, और शैमुरीद वाज एक अच्छे खानदान का एक अच्छा लड़का, एंड ही वाज आल्सो अ जनरल इन हिज इन चाकर आजम आर्मी. वो चाकर आजम आर्मी में जनरल था. तो ये स्टोरी इस तरह होती थी इन बैक डेट्स के भाई, वंस मतलब चाकरा मतलब शैमुरीद जो है, शैमुरीद दो जिसको हम लोग हीरो मानते, तो उनके वालिद साहब को मतलब ही वाज अ काइंड ऑफ अ मेडिसिन पर्सन, इलाज करते थे. हाँ, उनको तभी वगैरह चीजें आती थी. तो हानी बीमार थी, हानी वाज अ डॉटर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. जब वो बीमार हो गई तो वो शैमुरीद के मतलब फादर के पास ले आए कि भाई ट्रीट हर. और तब उनके इलाज कर रहे थे, तो उनका इलाज एक हिसाब से इम्पॉसिबल था. शी हैज उनका मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी लगी हुई थी. तो बस उसमें ये कमिटमेंट की भाई मतलब मुश्किल है, तो उन्होंने कहा तक कि भाई अगर आप हानि को ट्रीट कर देंगे, अगर हानि की आपने जान बचा दी, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हानि विल बी योर डॉटर, हानि आप लोग आपकी बेटी हो जाएगी. तो करते करते मतलब वो शैमुरीद के वालिद साहब ने उनको ट्रीट किया, और आज तो हानी उन्हीं के घर में रहती थी. तो हानी एंड शैमुरीद दे फेल इन लव, एंड इन द एंड दे गॉट आल्सो एंगेज एंगेज. तो इस तरह का किस्सा गया चाकर आजम द किंग किंग. वो एक दिन शिकार पे गए, शिकार पे गए, शिकार पे मतलब वो घूम फिर रहे थे ये वो, तो उनका मतलब राशन या पानी वगैरह खत्म हो गया. तो साइड में देखा एक आबादी है, तो आबादी में गए मतलब पानी वगैरह मांगा. वो बलोच कस्टम्स के लिहाज से वो बाहर थोड़ा खड़े हो गए, वो आवाज दी कोई है जो आया, मतलब उस टाइम उस इलाके में जो छोटा सा आबादी था उसमें कोई मर्द वगैरह नहीं था, उसमें हानि हानि थी. तो हानि ने उनको मतलब उन्होंने कहा जी मतलब पानी वगैरह चाहिए, तो उनको पानी पेश किया. पानी हम लोग बलोच लोग अक्सर एक मतलब जो ट्रेडिशनल में पीते हैं, एक ब्रास के बड़े कप में पीते हैं, जिसको हम लोग तासुक बोलते हैं, उसको तास बोलते हैं अक्सर. मतलब ये होता था कि उसमें तास में पीते हैं. तो हानी ने जब चाकर आजम को पानी पिलाया, तो उस पानी में एक हल्का सा मतलब एक हम लोग बूचुक बोलते हैं, बूचुक के लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, या वो खजूर का पत्ता छोटा सा सूखा डाल दिया. तो चाकर आजम ने मतलब पूछा कि ये कैसा पानी है, तो उन्होंने मतलब इसको बयान करते हुए कहा कि ये मैंने इसीलिए डाला है ताकि आप, मुझे पता है आपको प्यास लगी, आप पानी एकदम ना पी लें, एकदम पीने से मतलब आपको मतलब आपके गले में लग जाएगा और
आपको वो खांसी वगैरह आ जाएगी, तो आप इसको मतलब उसको कोशिश कर दें, तो मतलब पानी पीते वक्त कोशिश करने होती है कि वो कचरा वगैरह जो भी है वो एकदम ना आए। तो चाकर आजम को ये उसकी मतलब ये एक्ट, ये जो उसने हानि ने किया, तो बड़ी पसंद आई। तो चाकर आजम ने कहा कि भाई मतलब आई वांट टू मैरी हर, मैं इसी से शादी करूंगा। बाद में जब रिश्ता वगैरह भेजा तो पता चला कि शी इज ऑलरेडी कमिटेड और एंगेज टू शेमुरीद। शेमुरीद वाज लाइक अ जनरल इन इज चाकर आजम आर्मी। तो उसने मतलब बड़ी आराम से सोच समझ के ये किया। तो इसमें मतलब एक बिर बलूची ये है कि फिर उन्होंने एक महफिल बुलाई, चाकर आजम ने एक महफिल बुलाई, उस महफिल में शेमुरीद भी थे। उस महफिल में मतलब बड़े बड़े लोग थे, मतलब ट्राइब लीडर्स टाइप थे, ट्राइब लीडर टाइप थे। उन्होंने चाकर सबसे पूछा कि भाई आज मतलब आओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या हो सकता है, मतलब एक कमिटमेंट करते हैं, या मैं आपसे पूछता हूँ क्या मतलब आप जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं करें। तो दे स्टार्टेड विद द एल्डरली मैन, उनका नाम मुझे याद तो नहीं मगर स्टोरी में इस तरह है। उन्होंने कहा था कि जो शख्स मेरी दाढ़ी को हाथ लगाएगा मैं उसका गला काट दूंगा। एक हो गया। दूसरा मतलब ये था कि जो उन्होंने कहा था कि जिस मतलब वो हम लोग बग बोलते हैं उसका, कैमल्स के क्राउड को, कैमल्स के जो रेवड़ को बग बोलते हैं, उसने कहा था जिस बंदे का कैमल मेरे बग में आया तो मैं उसको वापस नहीं करूंगा। तो इसी तरह करते करते चाकर आजम ने कहा था कि मतलब मैं चाकर आजम का मुझे एग्जैक्ट कॉल याद नहीं है, तो आखिर में एंड ये था कि शेमुरीद की बारी आई। शेमुरीद ने कहा था जुमेरात के दिन जो भी मैं जब मैं मतलब जोहर के या असर के नमाज के बाद मैं जब मस्जिद से निकल रहा हूंगा, कोई भी मुझसे कुछ भी मांग ले मैं उसको दे दूंगा। तो ये चीजें नोट डाउन हो गई। फिर चाकर आजम ने जो किंग था उसने सब चीजें ट्राई करना शुरू की। तो उसने मतलब वो जो पहला बंदा था जिसने कहा था कोई अगर कोई मेरी दाढ़ी को हाथ लगाएगा तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा, तो महफिल में बैठ के उसके बच्चे को बोल दिया कि बेटा अपने जाके वालिद साहब के दाढ़ी को हाथ लगाए। तो बच्चा गया महफिल में अपने वालिद को दाढ़ी को हाथ लगा, तो वालिद साहब ने कमिटमेंट कर दी, बलूची कॉल का किया हुआ था कि भाई मैं ये करूंगा, तो ये लोग उसका इंतजार कर रहे थे, तो ही हैज टू डू इट। तो उसने अपने बेटे को मतलब शहीद कर दिया, जो भी कर दिया। शहाबुद्दीन असल में किसी रिमोट जगह पे है, उम्मीद है कि अभी सिग्नल फिर से आ जाएगा। ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में गाड़ी रोकी जहाँ सिग्नल आ रहा है। तो सुहेल, आपको ये कहानी वैसे आती है? तो जी, ये कहानी मुझे आती है। यहाँ से आगे सुनाएंगे। मैंने ये कहानी तो बेसिकली अब ये लिटरेचर में भी आ चुका है मैंने, लेकिन घर से सुना हुआ है तो डिटेल इस तरह एग्जैक्टली मुझे शायद ना याद हो। तो आगे ये कहानी जाके ये होता है कि बेसिकली कोल का बलूची कल्चर में, या मुझे तो लगता है कि मोस्ट कल्चर, जो भी कल्चर है उनमें जुबान का, जुबान के ऊपर रहना और धोखा ना देना या फिर जुबान से ना फिरना, इस चीज को वैल्यू किया जाता है। तो बलूची कल्चर में इसको आज से ज्यादा एक अहमियत है इसकी। तो फिर जो जैसे शाह साहब बता रहे थे, तो चाकर अपने कुछ बंदों को फजर के नमाज के वक्त, जैसे कि शेख मुरीद ने कहा था कि कोई आए और इस वक्त मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, तो वो कुछ म्यूजिशियंस होते हैं जो बलूची फोल्क म्यूजिक जिस तरह का उस वक्त था, मुझे एग्जैक्टली अब वो इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता। तो वो वहाँ फजर की नमाज के बाद वहाँ पे आए और वो बाहर निकले थे तो बजा रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर शेख मुरीद ने कहा कि आप इस वक्त आए तो आप कुछ भी मुझसे मांगे, मैं आपको ना नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक मुतबर इंसान हैं, इलाके में आपकी इज्जत है, आप सोच लें, आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आप देना नहीं चाहेंगे। तो शेख मुरीद ने कहा कि नहीं, एक बार मैंने जुबान दे दिया है कि कोई इस वक्त मुझसे आके कुछ भी मांगे तो मैं उसको ना नहीं करूंगा। तो वो बंदा फिर उनसे आनी का हाथ मांग लेते हैं कि आनी से आप मतलब पीछे हट जाएं और आनी हमें दे दें। तो बलोची में आज के दिन भी मतलब ये एक बहुत बड़ा ऐब माना जाता है कि मतलब जिसको हम मंगेतर को कहते हैं दिश्तार ना, वो किसी का दिश्तार किसी वजह से चला जाए तो अभी मेरे जहन में आ रहे हैं बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब कोई भी शख्स किसी मैरिज को डाइवर्ट करने की कोशिश करे तो वो कल्चरली
एक बहुत बड़ी बात है। वो मतलब मर्द के तो बिल्कुल ही शान के खिलाफ है, पेट्रियार्कल सोसाइटी जो भी है तो। लेकिन यहाँ शेमुरी कहते हैं कि बस ठीक है, अब आप लोगों ने मांग लिया है, मैंने जुबान दिया हुआ था तो मैं जुबान से नहीं पीछे हट सकता। हालांकि ये एक बहुत ही किसी और लेवल की बात है। तो इस वाकये का शेमुरी की जिंदगी पे इस तरह से असर होता है कि वो ये सारी दुनिया छोड़ देते हैं, दुनिया की जो जिंदगी है, जो ऐशो आराम की, या फिर जो वो एक फकीर बन जाते हैं, एक मलंग बन जाते हैं। फिर आगे पोएट्री में जाके हैं शाह सब खुद आ चुके हैं, किससे कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं, बलूचिस्तान की नेट फ्लक्चुएट करती रहती है। हमने स्टोरी रुकने नहीं दी। सुहेल नसीर तुर्बत से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उसके फकीर बनने तक उसको आगे बढ़ाया है। चले चले, गुड टू नो, गुड टू नो। थैंक यू सुहेल साहब। शुक्रिया शाह साहब, माजरत, आपका इंटरनेट चला गया था, मैंने गुस्ताखी करके थोड़ी किस्से आगे सर आपको आपने बढ़ा बहुत दिया। अच्छा किया, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। तो सर हमारे पास इस तरह और भी फोक टेल्स है ना, मतलब अभी जिस तरह के हमारे पास है हम्मल, हम्मल उस तरह है कि उनका मतलब उनके स्टोरीज हमारे पास ब्रेवरी के आते हैं। जब वो मतलब उनका जो मदर प्लेस था वो ऑरमाडा था, ऑरमाडा था, ही यूज टू लिव ऑन द बे, तो पुर्तगीज आर्मीज वगैरह हमेशा अटैक करते थे ये वो, तो हम्मल वाज द वन हु यूज टू फाइट विद देम, उनके साथ फाइट वगैरह करते थे अक्सर, मतलब उनको हरा देते थे। तो पुर्तगीज वर वेरी वरीड के भाई, वो बड़े परेशान थे कि इनको कैसे हराया जाए। तो आखिर में उन्होंने मतलब सुलह वगैरह जो भी कर दिया, तो सुलह वगैरह कर दिया, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो बंदा हमें हराता है ये कौन है, तो वो हम्मल था। हम्मल मतलब उनका ये था डिमांड था कि भाई हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो और हमारे मतलब लोगों में शादी वगैरह करो कि ताकि हमारी अगले वाली जो नस्ल है आप लोगों की तरह ब्रेव हो। तो हम्मल वाज अ पोएट, ही वाज अ वॉरियर एंड ही वाज आल्सो अ पोएट। तो उनके मतलब शायरी में बहुत सारे लिटरेचर आते हैं, वो बताता है कि मैं तुम लोगों के मतलब तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा, मतलब हमारी बलोच औरतें ऐसी हैं, उनके आस्तीन मतलब आस्तीन है, आस्तीन में हाथ छुपे हुए हैं, वो इस तरह तरह ब्यूटीफुल है, मैं अपने कौम को नहीं छोड़ सकता है, कर करके। तो उन्होंने कर करके मतलब उसको किसी न किसी तरीके से बिट्रे किया। और लिटरेचर में मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि वो आखिर में पुर्तगीज वगैरह इतने एग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने मतलब हम्मल को मार के उसकी बॉडी को पीसेस वगैरह करके और अपने लोगों में खिला दिया ताकि हमारे लोग इसकी तरह हों। तो इस तरह अलग अलग ये लिटरेचर हमें आते हैं। और हमारे पास एक और लव फोक टेल है, या हानी शेमुरी मैंने सुना दिया, और उसके बाद है सस्सी पुन्नू, सस्सी पुन्नू भी आता है इसमें, इसमें मतलब फोक टेल में सिंध और बलुस्तान है। पुन्नू वाज अ प्रिंस फ्रॉम तुर्बत, वो पुन्नल के नाम से था, वो तुर्बत मतलब बलुस्तान के उससे था, और सस्सी वाज फ्रॉम सिंध। सस्सी पुन्नू के भी फोक टेल्स हमारे पास हैं। और इस तरह करके चाकर आजम का मैंने आप लोगों को बता दिया। सस्सी पुन्नू का फोक टेल इस तरह है कि सस्सी मतलब बादशाह का बेटा होता है, वो तुर्बत के मतलब स्टेट का किंग होता है, वो प्रिंस होता है, तो वो जाते हैं मतलब सिंध में किसी कारोबार के तरीके से या लिहाज से जाते हैं, वहां पे जाते हैं। और पुन्नू एक लोकल मतलब एक फार्मर, एक किसान, वैसे लिटरेचर में ये है कि वो एक धोबी की बेटी होती है, धोबी की बेटी है। तो जब मतलब पुन्नू ट्रेड के लिए जाते हैं सिंध, तो वहां पे उनको प्यार हो जाता है, तो पुन्नू वहां पे मतलब उनको उनका पैचअप हो जाता है, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तब पता चलता है मतलब उनके वालिद साहब को या जो तुर्बत के किंग होते हैं उनको पता चलता है कि भाई पुन्नू ने ये किया है, किसको इसको बता देता है कि वो लोग फैले वो मतलब पुन्नू सस्सी से शादी करने वाला है। तो उनको वही ऑफकोर्स वो जो बोल रहे हैं कि कास्ट से बाहर शादी है, हमारे स्टेटस के लिहाज से ये शादी, तो उसको करना चाहते हैं। तो वो पुन्नू के बड़े भाइयों को भेजते हैं, बड़े भाइयों को भेजते हैं, तो वहां जाते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं कि भाई सस्सी इस तरह वहां पे रह रहा है, शादी करना चाहते हैं। तो उन्हें किसी न किसी तरीके से उसको मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, बट पुन्नल पुन्नल जो है वो समझना नहीं चाहता, बोलता भाई नहीं मुझे मतलब ना बादशाही चाहिए ना प्रिंस चाहिए, मैं अपना सब कुछ इनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब इस तरह कर करके वो किसी न तरीके से उसको पुन्नल को बेहोश कर देते हैं, और उसको मतलब ऊंट पे लाद के, उस जमाने में बोलते हैं लिटरेचर में ये है कि तकरीबन 12 या 13 दिनों का सफर होता था सिंध से लेके लसबेला के थ्रू उधर तुर्बत जाना। तो
उसको मतलब ऊंट पे लाद के उस तरह किसी न किसी तरीके से वापस बैक टू तुरुपत ले जाते हैं। फिर इधर से सस्सी को पता चल जाता है कि इस तरह उसको ले गए हैं, और ये है तो वो भी उनके पीछे रवाना हो जाती है। रवाना हो जाती है तो अभी मतलब वैसे अभी मतलब इस टाइम पुन्नल का ग्रेव है तुर्बत में, सस्सी और पुन्नल का जो ग्रेव है वो है लसबेला में, हमारे इलाके विंदर में, जो दरम्यान में मतलब वो जो रूट बनता है सिंध को कनेक्ट करता है। तो सस्सी भी उनके पीछे आना शुरू कर देती है। जब सस्सी बस पागलों की तरह आ रही होती है, उसको रास्ते मास्ते का नहीं पता होता, तो दरम्यान में एक शेपर्ड शेपर्ड दिख देता है कि भाई सस्सी है, मतलब लड़की है, अकेले जा रही है ये वो। तो वो उसे तंग करने की कोशिश करता है, तंग करने की कोशिश करता है, और तब तक वो जो पुन्नल है उनको भी पता चल जाता है, वो वहां से लड़ कर किसी ना किसी तरीके से वो भी तुर्बत से बैग ट्रेवल करने की कोशिश करता है। मतलब अगर ये बैग देखा जाए तो वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब इनको रास्ते में मिलना चाहिए था। तब तक ये शेपर्ड वाला किस्सा हो जाता है। तो सस्सी अल्लाह ताला से दुआ करती है कि भाई मुझे बचाओ, मतलब मैं पुन्नल के लिए हूँ, ये मतलब इस तरह नहीं हो सकता। तो मिथ्स ये है कि मतलब वो जमीन क्रैक ओपन हो जाता है और सस्सी उसमें मतलब दफन हो जाती है, पर उसका सिर्फ दुपट्टा रह जाता है। तो तब तक पुन्नल वापस कुछ दिनों के बाद पहुंच जाता है। तो पुन्नल मतलब सस्सी का दुपट्टा देखती है, तो तब तक शेपर्ड ने अपना सर पकड़ के बैठा होता है कि मतलब ये क्या हो गया, और वो शॉक में है कि क्या हुआ। फिर वो उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, होता है इस तरह लड़की थी, मतलब मैंने उसको बुरी नजर से देखा, उसने अल्लाह ताला से दुआ की और जमीन खुल गया। फिर वो पुन्नल को पता चल जाता है कि ये सस्सी है। तो सस्सी भी मतलब पुन्नल भी यही दुआ करता है, दोबारा जमीन ओपन होती है और वो दोनों वहां पे मतलब दफन हो जाते हैं। तो आज अभी राइट नाउ जो इन दोनों का खबर है, सस्सी और पुन्नल का, वो हमारे सिटी विंदर में, विंदर से तकरीबन रोड से आधा 1 घंटा 1 घंटे दूर के फासले पे इनका दोनों का ग्रेव है। और जो वैसे तो हानी और शैमुरीद में ये कहा जाता है कि वो लोग ऊंट पे सवार हुए और चले गए, मगर इनका जो है ग्रेव जो कब्र है वो हमारे लसबेला और आवारान के बीच में। थैंक यू। अच्छा, ये आप जो कह रही है जो कब्र के बाहर रह जाना, हमारे बीबी पाक दमन है लाहौर में, वहां पे भी एक मिथ मशहूर है कि इसी तरह के वो बीच में कब्र में चली गई और उनका जो दुपट्टा है या उनके वो बाहर रह गए। अच्छा, दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल साहब आप लोग कुछ ऐड करना चाहें इसमें, जो स्टोरी थी वो कमेंट या कुछ कहना चाहें। अच्छा, मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि जो शेमुरीद का किस्सा था, वो ऑलमोस्ट जहां तक मैंने बताया तो वो वहां तक किस्सा तो खत्म होता है, लेकिन जो लिटरेचर है शायरी का तो वो बेसिकली किस्सा वहीं से शुरू होता है। मतलब कि जब शेमुरीद के साथ ये सब कुछ हो चुका, आनी उसके हाथ से जा चुका, जो पूरा लिटरेचर है शेर मोस्टली है वो इसी पर, उसके आलत के ऊपर है। वो फिर मक्का जाता है, हज करता है और इसे दीवानों की तरह फिरता है। तो बलूची लिटरेचर में शेमुरीद एज अ सिंबल ऑफ लव लिया जाता है, और जो शुरू का सारा किस्सा था मतलब वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, और बाद में जो शेमुरीद का एक करेक्टर बनता है लिटरेचर में बेसिकली वो मशहूर है कि जुबान के हाथ कातिर किस तरह से उसने छोड़ दिया। बस इतना सा, शुक्रिया। मैं शेमरीद के मुतालिक ही जो वाक्या है वो यहाँ से, मतलब जिस तरह सोहेल बोल रहे थे या शाह बोल रहे थे कि जब वो मक्का जाता है तो उसमें एक बहुत खूबसूरत अलामत है जो उस पूरी शायरी को बताती है, जो बाद में वो अलामत इस्तेमाल होती है। वो उसको कहते हैं कि मक्का के जो फाख्ते होते हैं ना, उसको वो कासित करके वो अपने महबूब जो हैं उसको उसकी तरफ बेचते हैं। तो एक बहुत मशहूर वाक्य है जिसको लफ्ज इस्तेलाह है, जिसको कहते हैं मक्का दरबंदे कपूत, मतलब मक्का के जो रहने वाले फाख्ते हैं उनको वो बोल के बोलते हैं। तो वो शेमुरीद उन फाख्तों को बेचता है हानी की तरफ, फिर वो हानी जो है उसको फिर उन फाख्तों से बात करती है और फिर उनको रिपीट करके यहाँ पे वापस बेचता है। तो उन वाकयात में ये सारी दास्तान सुनाई जाती है, इन दोनों के मुकालमा जो होता है ये फाख्तों के जरिए से हो रहा होता है ये सारा। तो इस तरह का एक उसमें जगह मकाम होता है ये बस।
हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत एक ये मंजर निगारी है और एक टेक्निक है जी। अफीरा आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी शायद साहब, और कोई फोकटेल या कुछ और ऐड करना चाहें एक और फोकटेल आप? है, मतलब वो अक्सर मुझे उनका वैसे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, मेरी अम्मी ने मुझे सुनाया था, आई स्टिल रिमेम्बर। वो मुझे इसीलिए पसंद थी, उसमें मतलब हमारे बलूची में मतलब एक दो कल्चर उसमें यूज हुए। एक कल्चर ये था कि मतलब जब आप कोई गुनाह करते हैं तो हमारे मतलब अभी भी डेरा बुक्ची में हमारे कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, तो गुना को मतलब डिटरमाइन करने के लिए कि आपने गुना किया है या आप बेकसूर हैं, तो उस पे से आग पे से गुजरना होता है। अगर आप आपके पांव जल गए तो यू आर ब्लेमेबल, मतलब आपने गुना किया। अगर आपके पांव ना जले तो आपने गुना नहीं किया। ये मतलब पूरी कम्युनिटी या मतलब बहुत सारे स्पेसिफिक लोगों के सामने करना होता है। दूसरा एक ये भी आता है हमारे कल्चर में, मैंने आज तक वैसे देखा तो नहीं है, मतलब तेल को गर्म, कढ़ाई में तेल को गर्म कर देते हैं, कढ़ाई में तेल को गर्म कर देते हैं और उसमें एक अंगूठी फेंक देते हैं। अगर मतलब उस पे जो मतलब बोलते हैं कि आपने ये गुनाह किया हुआ है, अगर आपने वो मतलब हाथ डाल के उस अंगूठी को निकाल दिया, मतलब आपका हाथ नहीं जला तो आपने गुनाह नहीं किया, और आपने अगर आपका हाथ जल गया तो आपने गुनाह किया। तो इस पे एक फोक टेल थी, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द पर्सन पर्सन के वो बंदे और बंदी कौन थे, उनके अच्छे नाम थे, वो टिपिकल बलोची वाले नाम थे। तो इस तरह ये था किस्सा कि भाई मतलब वो एक दूसरे से मतलब एक कम्युनिटी होती है और लड़का लड़की होते हैं, एक दूसरे से मतलब प्यार करते हैं, ये करते हैं। तो एक टाइम आ जाता है कि कोई क्लैश आ जाता है, छोटा मोटा क्लैश आ जाता है दोनों मतलब कबीलों में, दोनों कौमों में, तो उनका रिश्ता कैंसल हो जाता है। कैंसल हो जाता है तो वो लड़का मतलब विद इन पैसेज ऑफ टाइम किसी और से शादी कर लेता है, किसी और से शादी कर लेता है। तब तक जब उसकी शादी हो जाती है तो वो जो कौम है उनका क्लैश खत्म हो जाता है, क्लैश खत्म हो जाता है। फिर तो वो लड़का बोलता है कि भाई मैं इससे दोबारा शादी करूंगा। जो लड़की की पहली बीवी होती है वो बोलती नहीं, मैं मतलब नहीं मानूंगी ये, वो तो मतलब वो कर करके नो सॉर्ट आउट करके तो वो उससे दोबारा शादी कर लेता है। तो वो पहली बीवी जिद में आके बोलती है कि मतलब मैं किसी न किसी तरीके से इसको ये चीजों मतलब इनका रिश्ता खत्म कर लूं। तो वो जो सबसे आसान ऑप्शन होती है कि भाई मैं इसको किसी न किसी तरीके से बद किरदार साबित करके इसका मतलब ये इनका रिश्ता खत्म करवा दूंगी। तो वो हमेशा उसमें होती है, तो वो कर करके एक चरवाहे के साथ, मतलब वो चरवाहा आता है उनको, ये जो पहली बीवी होती है उनको किसी ना मतलब उनको प्लान बनाती है, उनको किसी कमरे में बंद कर देती है, कमरा है या खिदान है, झुग्गी है, जो भी है, तो उसमें बंद कर देती है। लोगों को बुलाती है, बोलता है भाई ये मतलब आपकी अपने शोहर को तो ऑफकोर्स बुलाती है कि मतलब आपकी बीवी पर किरदार ये हो। तो बीवी बोलती है कि भाई मतलब ठीक है, आपने मुझे इल्जाम लगाया, मतलब आए इस इल्जाम को बलूची कल्चर के थ्रू, ये जो हमारा कल्चर है, सकाफत है, उसके थ्रू वो करते हैं, मतलब इस तरह उसका मतलब शोहर जब उस पर गुस्सा करता है ऑफकोर्स, और बोलती है कि मतलब इस तरह मैं घर नहीं जाऊंगी, अब मैं और मेरे वालिद और भाइयों को भी बुला दें कि मतलब ये सबके सामने फैसला होगा। तो इसमें वही कढ़ाई वाला फैसला होता है, कढ़ाई वाला उसमें अंगूठी डाल के मतलब उस लड़की को कहता है, लड़की बोलती है मतलब ये करने से पहले, मतलब मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने से पहले ये कर दूंगा, अगर मैं बेगुनाह साबित हो गई तो मतलब मैं फिर आपसे के साथ नहीं रहूंगी और मतलब मैं आपसे अलग हो जाऊंगी, आपसे तलाक ले लूंगी, और अगर मैं साबित हो मतलब उस गुनाह मेरे ऊपर साबित हो गया तो बस मुझे इधर ही मार दें। तो ये जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, मतलब लड़की के वालिद और भाई बैठे होते हैं उससे, मतलब वो तलवार निकाल के, मतलब मैंने ये भी पढ़ा था कि मतलब अम्मी ने बताया था कि उन्होंने मतलब तलवार आधी निकाली होती है, कि अगर सपोज उसका हाथ जलते ही उन्होंने मतलब उस लड़के को कहा था कि भाई बस अभी हम जाने, हमारी बेटी जाने, अगर मतलब उस पे ब्लेम साबित हो गया तो हम लोग उसको इधर ही मार देंगे। फिर करते करते वो प्रोसेस हो जाता है, तो वो कढ़ाई से अंगूठी निकाल लेती है, कढ़ाई से अंगूठी निकाल लेती है, फिर वो इधर ही से मतलब उस लड़की को बोलती है कि मतलब आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ये आपने मतलब लोगों की बातों में आके ये स्टेटस ले लिया, इसीलिए मैं आपसे आइंदा तब आपके साथ नहीं रहूंगी, अलहदा हो जाऊंगी। और उस पर जो भाई वालिद हैं उनको बोलती है कि मतलब जिसके साथ मुझे मतलब ये इल्जाम लगाया गया, तो एक चरवाया होता है उसका नाम अच्छा होता है, तो उसके साथ मतलब उसको मैं अभी उसी से शादी करूंगी, तो वो उसी के साथ शादी करती है। वो जो पहला शोहर होता है वो मतलब इनको देखता है कि वो एक गिदान में रहते हैं, पहाड़ों में बकरियों वगैरह सेटअप होता है, वो उनको मतलब हर दिन जाके फॉलो करता है, वहां से दूर से देख रहा होता है कि वो कितनी खुश है। फिर वो इसी हिसाब से मतलब वो जो
अपने गम में तो शायरी शुरू करता है, उसके मुख्तलिफ शेर शायरियां हैं, और करते करते मतलब आखिर तक जब तक वो मलंग नहीं बन जाता, मलंग में उसके शेर शायरियां हैं कि मतलब मैंने ये गलती की, फिर उसी बारे में प्रोसेस के बारे में बताता है, हम लोगों ने ये किया, तो उसमें वो अपना लिटरेचर और शायरी में सारा किस्सा बता देता है, और इसमें मतलब वो बलूची जो सकाफत है उसमें बारे में बता देते हैं। ये शेर जो है अगर ये वही वाक्या है, इसी तरह का एक और वाक्या है या फिर यही है, वो शादाद मानस का शेर है जिसको हम शादाद मानस कहते हैं। शादाद जो है उसके लिए मशहूर है कि वो चाकर का बेटा होता है, और मानस जो है वो उनका कोई कजन होता है जिसके साथ उसकी शादी होती है। तो उसमें ये वाला वाक्या आता है जहाँ पे ये अंगूठी निकालते हैं, तो जब ये शादी हो जाती है तो इसमें जो खासकर इसके वाकये में और रानी शैमरीत के वाकये में जो मेन किरदार होता है दोनों खवातीन होते हैं। उमूमन खवातीन इतने नहीं होते सेंट्रल किरदार बलूची शायरी के अंदर, लेकिन यहाँ पे जब ये, क्योंकि ये दोनों जो इल्ज़ाम होता है इन दोनों में, आनी शैमरीत में शैमरीत पे लगता है कि उसकी वजह से आनी की शादी जो है चाकर के साथ होती है, और शादाद मानात वाले वाक्य में शादाद के ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने लोगों के झूठ पे भरोसा किया है और ये सारा कुछ किया है। जब शादाद रिग्रेट करता है और उसके पास वापस जाता है तो मानात उसको कहती है कि वो एक लंबा चौड़ा सा एक गिला होता है जो उस शेर का पूरा एक सेंट्रल किरदार है, जिसमें वो कहते हैं कि मतलब वो उसको मारता बहुत ज्यादा है जब उस पर इल्जाम आता है, तो वो कहते हैं कि भी तुमने मुझे जानवरों की तरह मारा था, और वो जो सारा जुल्म था और वो सब कुछ था, अगर तुम उसको पलटा सकते हो, अगर वो इल्जाम तुम वापस ले सकते हो और वो वक्त तुम दोबारा रिपीट कर सकते हो जहाँ पे मानास जो थी उस पर इल्जाम लगे नहीं थे, जब ये सारे वाकयात हुए नहीं थे, तब हम उस बात को दोबारा सोच सकते हैं कि क्या बात हुई थी और क्या नहीं हुई थी। तो शादत मानस का वाक्य होता है जहाँ पे फिर जब ये इल्जाम लगता है तो उसको अंगूठी निकालने को कहते हैं। लेकिन जो आसाप वाला है जिसमें आप अंगारों पे चल लोगों को चलाते हैं, वो पठानों के यहाँ भी होता है, बलूचों के यहाँ भी होता था, पठानों के यहाँ भी कबायली सिस्टम में होता था। उसमें पांव दोनों सूरतों में जलते हैं, लेकिन जो छाले बनते हैं वो छालों से पेशन गोई करते हैं कि इसने कोई जुर्म किया है या नहीं किया है। तो उसमें ये नहीं होता कि पाँव नहीं जलते, लोग बेहोश हो जाते हैं, दो दो दिन तक कोमे में, कुछ लोग कोमे में भी गए हैं उसकी वजह से, बहुत सिचुएशन इस तरह भी हुआ है। लेकिन यह कि वो एक पेशन गोई है जिसमें पाँव के पैटर्न जिस तरह चालों के बनते हैं उससे पता लगाते हैं कि भी इसने जुर्म किया या नहीं किया। उस तरह ये पतीले वाले में भी, मेनली पतीले वाले में ये होता है कि अगर किसी ने किया है तो वो डर जाएंगे, वो नहीं करेंगे उसको, अगर वो नहीं डरते वो करते हैं, तो उस वजह से भी उसको कहते हैं कि अगर ये इतना भुगत चुके हैं तो मतलब उन्होंने नहीं किया होगा और मजबूर हैं, तो उसको मजबूरी की उम लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने इसके ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन अगर सरदार हो तो उसको जाहिर सी बात है कोई कुछ नहीं कहता, शादात सरदार का बेटा होता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, इस तरह का ही वाक्य होता है। मैं सुहेल साहब की मदद लेना चाहता हूँ। सुहेल साहब, आपके पास कोई है? और मतलब बलूची फोक लिटरेचर में किस्से तो बहुत हैं। मेरे ख्याल से इस सिलसिले में हम दानिश को मदद लें, क्योंकि तीसरा अली जंग के ऊपर अगर दानिश आप बात करें तो मेरे ख्याल से तीसरा अली जंग एक मेन करेक्टर है, मेन लिटरेचर है बलूची फोक लिटरेचर में, के रेंदो लाशार की जो लड़ाई होती है जिसकी वजह से फिर बलोच पंजाब के हिस्से में भी आते हैं हिजरत करके, जिस लड़ाई की वजह से अफगानिस्तान तक जाते हैं। अगर इसके ऊपर दानिश अगर यहाँ पे शाह साहब आप बात करें तो रिंदो लाशार की जंग के ऊपर। इसका ये है कि रिंदो लाशार मतलब ये बलोचों के जो दो मेन ट्राइब्स होते हैं, तो जहां तक मुझे भी याद है कि ये लड़ाई भी किसी औरत के ऊपर ही होती है, औरत के ऊपर होती है। मतलब दानिश साहब आपने मुझे क्लियर करना है, मुझे थोड़ा मतलब कम याद है। तो मतलब ये लड़ाई मतलब इन शॉर्ट में इतना बताता चलूं कि मतलब कई सालों तक तो चलती है, और मतलब जहां तक मुझे याद है मैंने लिटरेचर में पढ़ा था इसमें मतलब 80+ लोग मारे जाते हैं वो इस ट्राइब के उस ट्राइब के, तो उसमें मतलब कर करके एक हाइप क्रिएट हो जाती है। आखिर में फिर ये है कि इस लिटरेचर में थोड़ा इतना भी मैंने पढ़ा था कि मतलब जो रिंद में एक लड़का होता है
वो मतलब उसको भेजते हैं कि भाई अफगानिस्तान जाओ एक जंग के सिलसिले में। मतलब इनका ये था कि आपस में लड़ते रहते थे, जब कोई बाहर से इन्वेडर आता था तो उसको ये लोग कंबाइन होकर फेस करते थे, जैसे कि हमारा मतलब उस जमाने में अफगानिस्तान वगैरह होता था। तो मतलब ये अफगानिस्तान जाके जाते हैं, तो हमारा मतलब एक लड़का होता है उसमें चाकर आजम के ट्राइब का होता है, चाकर आजम के ट्राइब का होता है, तो वो वहां से उसको मतलब आई डोंट नो, ये हर स्टोरी में इस तरह है कि उसको वहां से मतलब प्रिंसेस या वहां के जो सरदार हैं या जो ट्राइब के लीडर हैं उनकी बेटी से प्यार हो जाता है, तो वो उससे मतलब वहां पे शादी करके ये लोग वापस वो बाग के बलुस्तान आ जाते हैं। तो लड़की बड़ी होशियार होती है, बोलता है तुम किस ट्राइब से, बोलता है मैं तो मैं चाकर आजम के ट्राइब से हूँ। उसने कहा मतलब इनका अगर वो आ गया तो चाकर आजम, तो मतलब अगर अफगानिस्तान वाले आ गए तो चाकर आजम आपके साथ मतलब तो देगा ही देगा, तो चले मतलब बलूची सकाफत और उसके आते हैं। मतलब हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है पना पना, मतलब किसी को पना देना, तो आप जाए मतलब जितने भी दुश्मन हो या जो भी हो, जब आप जाएंगे भाई मैं आपके आई वांट टू कम अंडर योर प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन के अंदर आना चाहता हूँ, तो वो उसको कुछ नहीं कहता। तो मतलब आप उसने कहा था, लड़की ने कहा था कि आप ऑटोमेटिकली चाकर आजम के मतलब चाकर आजम तो आपके लिए लड़ेगा क्योंकि वो आप उसी के ट्राइब के हो। तो चलते हैं लाशार वालों के पास, आप उनके मतलब प्रोटेक्शन वगैरह मांग लें। तो इसी तरह कर करके मतलब ये थोड़ा एक स्टेप बना था ये दोनों ट्राइब्स को खुश करने का, नजदीक लाने का। तो अफगानिस्तान वाले आते हैं, ये दोनों कंबाइनली मतलब उनके साथ फाइट करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब चाकर आजम माइग्रेशन का सोचते हैं, कि हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और सेटअप मतलब इसी इस जंग के उसको डिसॉल्व करने के लिए, मतलब वो चाहते हैं वैसे, वो जो लाशार और ये चाकर आजम है ये मतलब फुल क्लोज ट्राइब है, जैसे कि आपस में भाई वगैरह इसी तरह है। तो वो मूव ऑन करते हैं, तो वो सिब्बी से मतलब चाकर आजम का जो किला है या चाकर आजम का जो सेटअप है वो सारा सिब्बी में, मतलब वो सिब्बी का जो हम लोग बोलते हैं सिब्बी मेला या सिब्बी का कल्चर वगैरह वो सारा उन्हीं का है, मतलब रिंद का है, उन्हीं ने बनाया। तो वहां से वो माइग्रेशन स्टार्ट करके आस्ता आस्ता पंजाब की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कुछ कबीले हैं जो मतलब सब कास्ट वगैरह है वो वहां पे रह जाते हैं। तो चाकर आजम मूव ऑन कर करके आखिर में जो हमारा सतगरा सतगरा उखाड़ा में, उखाड़ा के नजदीक है, तो वहां पे जाके उनकी डेथ हो जाती है। तो वहां पे भी मतलब इसीलिए मतलब पंजाब में बलोच अच्छे खासे हैं आजकल, पर साउथ एरिया में, ताकि वो चाकर आजम के माइग्रेशन में उनके साथ थे। तो चाकर आजम का मतलब रिसेंट मकबरा जो उनका मजार है वो सतकरा उखाड़ा पंजाब में है। तो इतना मुझे याद है, बाकी दानिश साहब आप अब ऐड करना चाहते हैं कुछ? अच्छा, बहुत शुक्रिया शासन। अभी हम दानिश से ही पूछते हैं। अभी हम आर्कियोलॉजी जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे उस पर बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगी कि कुछ हम बलोची में भी जैसे अमीर हमजा की जो पोएट्री थी सोहेल के पास शायद होगी कि जिसमें कहा जाता है कि हम मुझे बलोची पढ़नी नहीं आती कि हम हजरत अमीर हमजा की औलाद है। और एक कोई इसमें ये कोई लोकगीत भी है शायद। सोहेल आप पेश करना चाहेंगे? अभी मैं उसके ऊपर बात करूं या पर, क्योंकि जो फोक लिटरेचर में तो अमीर हमजा के ऊपर हैं हमारे मतलब लिटरेचर में किस्से, लेकिन वो बड़े कुछ हिसाब से कंट्रोवर्शियल हैं। मतलब कुछ पोएट्रीज हैं जो के ये कहते हैं, खैर दानिश के ऊपर बात करें तो बेहतर रहेगा। वो एक तरह से बलूची पोएट्री जो फोक लिटरेचर, वो इस तरह से शुरू होता है जिस तरह के कोई भी एक कदीम शेर हो, मतलब वो फिर शुरू अल्लाह ताला से करते हैं, फिर उसके जो पैगंबर हैं उनके ऊपर आते हैं, फिर पैगंबरों की तारीफ और सना से होके खुलफाए राशिदीन के ऊपर आते हैं, फिर बलोची लिटरेचर में कुछ ऐसे शेर हैं, फिर हसन हुसैन का जिक्र उनमें आ जाता है और उनमें इमाम हुसैन का जिक्र आ जाता है, उस करबला के वाकया का जिक्र आ जाता है, और वहां पे कुछ बलोचों का जिक्र आ जाता है कि एक्चुअली में बलोचों का जो ओरिजिन है वो वहीं से शुरू हुआ है और वहां से वो आ, 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 उनके साथ करबला में जंग में पार्टिसिपेट करने के बाद वो माइग्रेट करके अलब कहते हैं, जो इराक में मेरे ख्याल से जगह है अलब, जी है, सही है, मतलब अलग। हाँ, तो वहां से शुरू करके फिर वो बलूचिस्तान के जो ये सिलसिला उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ, लेकिन जी, ये आपको मेरे मैं ख्याल आप से अगर व्हाट्सएप
चेक करें, इसमें अरबी में सॉरी बलोची में भी मौजूद है, आप जरा अभी देखें क्या। हाँ मैं देख लेता हूँ वैसे। हाँ बलोची में ही है वो पोएट्री, मैं देख जी लेता हूँ। अच्छा, ओके मैम, अगर हम दानिश या शहाब साहब से रिक्वेस्ट करें हमें कोई मुख्तसर बलोची जुबान में कोई मुख्तसर कोई कहानी कुछ, अगर कुछ बलोची जुबान में कोई कुछ सुना, शेर शेर या कहावत सुन लेना, कहानी कोई तो। शेर या कहावत कुछ भी हमें कुछ बलोची और उसका थोड़ा सा तर्जुमा शहाब साहब या दानिश। या जो बेसिक ग्रीटिंग्स है वो बताए ना, जब किसी से मिलते हैं तो क्या उसको कैसे ग्रीट करते हैं। सर वो जो बलूची में अक्सर प्रोवर्ब्स हैं हमारे, मतलब उसमें चलते हैं मेरी आवाज आ रही? हाँ, तो मतलब हमारे उसमें प्रोवर्ब यूज होते हैं अक्सर, ये है कि एक मतलब आज ही मैंने एक कहा था कि वो अक्सर वैसे थोड़ा फारसी में है कि आसके चेहरा पिलपिले रोना, मतलब इस तरह है कि कभी तुमसे काम हो नहीं पाएगा, वैसे वैसे भी तुम बता रहे हो, मतलब आज के आज के मतलब हिरन के नीचे, और पिलपिल पिलपिल हम लोग मिर्ची को बोलते हैं उसके काटने तक, तो मतलब ये एक प्रोवर्ब के हिसाब से आता है कि भाई कि ये काम बस तुम बोल ही रहे हो, ये तुमसे कभी नहीं होगा। और इसके अलावा मल्टीपल और भी हैं हमारे, बस मुझे एक है कि होरे सर और नूके चीर, मतलब इसका ये है कि होरे मतलब ये वही मिसाल हुई कि बारिश के ऊपर लोग, हम लोग इस चीज को बोलते हैं जो पानी का एग्जिट होता है ना, मतलब छत के ऊपर से पानी का एग्जिट होता है, तो बारिश के ऊपर खड़ा होने से मतलब लोग छत का गंदा पानी आपके ऊपर गिर रहा है, इससे बेहतर है आप पानी बारिश पे करिए खड़े हो जाओ, या इसका एक और भी मीनिंग है, मतलब कोई फायदा नहीं, आप बारिश पे भी गीले हो जाएंगे और ये आप अगर नोक के नीचे भी खड़े हो जाएंगे तभी आप गीले हो जाएंगे। अच्छा, ये कुछ मुहावरे हैं मुझे नजर आए थे बलोची के मैक्सिम्स कहावत, क्योंकि कहते हैं कि जो कहानी होती है उसमें से नतीजे अखज किए जाती है, अगर अरबी आप बलोची में आप पढ़ सकें, इसका साथ में इन्होंने तर्जमा भी दिया हुआ है। अच्छा, मैं आल सलाम दुआ के ऊपर कुछ अर्ज करूंगा। वैसे तो बलूचिस्तान में मतलब इस तरह से है कि कोई एक चीज पूरे बलूचिस्तान में तो नहीं पाया जाता, मतलब बलूचिस्तान में भी डिविजन है, लेकिन मेरे ख्याल से जो आल का कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट पूरे बलूचिस्तान में, आल का कंसेप्ट ये है कि जब हम किसी नए बंदे से मिलते हैं तो हम पहले एक दूसरे से पूछते हैं कि आप आल सुनाएं, तो वो बंदा जब पिछली दफा हमसे मिला था उसके बाद से उसकी जिंदगी में जो जो अहम वाकये हुए हैं, या फिर उसको लगता है कि इस बंदे को इतने वक्त के बाद मुझसे फेमिलियराइज होने के लिए जो जो पता होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त इस तरह से रास्ते तो नहीं होते थे, 1 साल बाद कोई बंदा मिल जाता था, 5 महीने बाद मिल जाता था, तो वो पूरे 5 महीने का, 1 साल का या 1 महीने का जो अहम वाकियात हैं जो उनके कन्वर्सेशन या उनके राबते कम्युनिकेशन को मजबूत कर सकते हैं, वो सारे वाकियात सुना देता था कि मैं वहां से यहाँ गया, मैंने उससे मिला, मेरे साथ ये वाकया पेश आया, कभी कभार ये आधे घंटे तक चल जाते थे, कभी तक 1 घंटे तक चल जाते थे। तो इस तरह से एक ट्रेडिशन है बलूची में मिलने का, कम्युनिकेशन का और आल का। और ये मरी बुकती हमारे इलाकों में तो अब कम हो चुके हैं, लेकिन ये मरी बुकती इलाकों में अभी तक इसी तरह से कायम है, मतलब यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे कुछ दोस्त हैं कुलू से, तो वो मिलते हैं, हम उनसे कभी कभार, मतलब अभी इतना नॉर्मल नहीं है, हम उनसे कह देते हैं कि वो करें, तो उनके यहाँ नॉर्मल है, तो वो हमें सुनाते होते हैं कि पिछली तरह से पूरा लेके, ये एक तरीका है बलूची में। हाँ, बहुत शुक्रिया सुहेल। एक मेरा एक और सवाल था उसके पास कि जिस तरह हमारी पंजाब में रवायत है कि जी सैफुल मलूक है कि सर सैफुल मलूक किताब की शक्ल में शायरी की फॉर्म में, और फिर उसके अलावा हीर रांझा की कहानी जो वारिस शाह ने लिखी है, तो इस तरह क्या हमें बलोच में भी क्या एक किताबी शक्ल में और शायरी की शक्ल में कहानियां मिलती है? नहीं जी 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 ये हाँ, तो मतलब ये कि किताबी शक्ल से मुराद ये है कि तकरीबन हाँ बलोची, मतलब बलोची जुबान का जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखना है, वो तो 60-70 साल हुए हैं, मतलब शुरू हुआ है 47 से या 50 से बलोची में लिखने का वो आया है, लेकिन
अब ये सब कुछ कंपाइल हो चुके हैं, अब किताबी शक्ल में है, मतलब वो आनी शेमुरीद का किस्सा हो, वो शादाद मन्नाक का किस्सा हो, बीबगर ग्राना का हो, या फिर रिंदुल आशार का हो, या मस्तोकली के सारे शेर, मतलब ऑलमोस्ट बलूच जितना पोल क्लिक सारा तो नहीं, खैर बहुत वसी है, लेकिन किताबी शक्ल में मिल जाते हैं। और कुछ कुछ ट्रांसलेशन सबके अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके कुछ हिस्सों के ट्रांसलेशन भी अब अवेलेबल हैं किताबी शक्ल में। तो ये दरखास्त है कि ग्रुप में जिनकी हमें कोई जो पब्लिश हुई नहीं है उनके पब्लिशर्स के नाम या उनके पते वगैरह भेजते हैं तर्जुमे जिनके मौजूद हैं, ताकि जो इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड लोग हैं तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं ये शाह मुरीद और खानी और इनके किस्सों का, तो वो किताब ले सके। अच्छा, और हमारा जो मेन जो टॉपिक है आर्कियोलॉजी का, तो उसके बारे में भी शहाबुद्दीन साहब आप बात करना चाहते हैं। जी मैम, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, तब हमारे जो मैंने जिनको पढ़ा है, जिनके उसमें थ्रू आया हुआ है, मतलब ये लिटरेचर ऑलमोस्ट आ गया है, मतलब इट्स इन बुक्स, और इसके अलग अलग फोक टेल्स हैं जो, मतलब हमारे बलुस्तान में जो लिटरेचर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो सैयद जहूर हाशमी साहब हैं। ही वॉज फ्रॉम का, तो मतलब वो मतलब मकरान ग्वादर से थे, उन्होंने मतलब अच्छा खासा लिटरेचर को सपोर्ट किया है, उनकी वजह से एक बलूची लैंग्वेज में मतलब एक वेटेज है, और मतलब इस तरह फोक टेल्स या तारीख बलूचिस्तान और हर ट्राइब की हिस्ट्री मतलब गुलखान नसीर साहब ने लिखी हुई है, तो इनके मतलब लिटरेचर या बुक्स वगैरह अच्छे हैं और ज्यादा एक्यूरेट माने जाते हैं। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आते हैं, तो बलूचिस्तान में आर्कियोलॉजिकल साइट्स, देयर आर ऑलमोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं आर्कियोलॉजिकल साइट से शुरू करूँ, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोन एज। स्टोन एज में मतलब डेरा बुक्टी में मतलब हमारे वो जो डायनासोर की किस्म होती थी उसका स्केलेटन पाया गया है, मतलब उसको ऑलमोस्ट प्रिजर्व कर लिया गया है, वो क्वेटा में एक म्यूजियम में है, क्वेटा में जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है सरियाब रोड में, तो वहां पे उसके मतलब बोन्स वगैरह उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है, प्रिजर्व कर लिया गया। एंड आई हैव बीन टू टू डिस्ट्रिक्ट, वाशुक एंड वट, ये दो वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मैंने खुद अपने आंखों से केव पेंटिंग्स देखे हुए, केव पेंटिंग्स देखे हुए, मतलब उनका एग्जैक्ट डेट वगैरह तो मुझे कोई नहीं बता सका, जब मैंने उनको मतलब उनके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की, अलबत्ता मुझे और भी चीजें मिली, मतलब ये डेरा मुफ्ती में भी पाए जाते हैं, और डेरा मुफ्ती में पाए जाते हैं, मूसा खेल में पाए जाते हैं, मतलब जिस तरह के सवात वगैरह में पहाड़ों के ऊपर वो बुद्धिज्म के स्टे वो है, तो हमारे पास केव पेंटिंग्स थे। मेरे पास अगर उनकी पिक्चर्स तो फिलहाल नहीं है, जैसे कि वो ऑक्स बनाया गया है, बंदा बनाया गया, उसके हाथ में स्पेयर वगैरह है, एरोज वगैरह के डायरेक्शन है, तो इससे आप सोचें कि मतलब ये कितना वो पुराना हो सकता है। और ये केव पेंटिंग जिस जिस जगह पे है कि वहां पे मतलब अक्सर साइड पे नदी है, और ये जो केव है एक सेफ लोकेशन पे है, हाइटेड लोकेशन पे है, मैंने जितने मतलब वाशुक वाला भी देखा और वर्ड वाला देखा, वो इसी तरह मतलब एक सेफ लोकेशन पे बनी होती है। इसके अलावा जो मैंने मतलब पर्सनली विजिट किए हुए हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, खास तौर पर ये जो हमारा बेल्ट ईरान से टच है, ईरान से टच है, नो वन नोज देयर हिस्ट्री, बट वी हैव टूम्स, टूम्स कच्चे इंचों के टूम्स बने हुए हैं ऑलमोस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, मैंने उनको वहां पे उनको देखा हुआ है, पंजगुर में है, वाशुक में है, खारान में है, और जिस तरह हम लोग टच करते जाएंगे दालबंदिन वगैरह उनमें भी वो पाए जाते हैं। तो उनके बारे में जब मैंने स्टडी को मतलब करने की कोशिश की, उनका आर्कियोलॉजिकल मतलब डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न किया कि भाई हाउ मच ओल्ड दे आर, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला, बाद में पता चला कि दीज टूम्स आर ऑफ पर्शियन एरा, आतिशपरस्त एरा के हैं, आतिशपरस्त एरा के, मतलब जब ईरान वाले उसमें आतिशपरस्ती करते थे तो उनका ये था। और हर टूम की खासियत ये है, मतलब जब मैंने पढ़ने पे पता चला, आतिशपरस्त लोग अपने जो डेथ बॉडी को उसको जमीन में नहीं दफनाते, उनका हमेशा ये होता था कि द डेड बॉडी शुड बी अबव द ग्राउंड, तो वो टूम सारे इस तरह स्ट्रक्चर डिजाइन है कि, और ये जो टूम जितने मैंने देखे हैं पंजगुर में है, वाशुक में है, खारान में, उनमें मतलब एक बंदे की कबर नहीं होती, मुख्तलिफ चेम्बर होते हैं, मोस्टली सेवन सेवन चेम्बर होते हैं, मतलब उनके वहां पे अभी तक स्केलेटन्स वगैरह भी पड़े हुए चेम्बर्स वो होते थे, और उसको उसी तरह डिजाइन करते, मतलब इससे पता चलता था कि दीज टूम्स आर ऑफ रॉयल, मतलब रॉयल फैमिली, और ये टूम्स फासले फासले पे, मतलब पंजगुर में एक जगह पे है, दूसरा तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद है, तो इस ये अलग अलग जो टूम्स हैं उनमें मतलब पता चलता था कि
के यहाँ पे मतलब उसमें है। एक पंजगुर में मैंने एक आर्कियोलॉजिकल साइट विजिट की, मतलब ये वो उस आतिशपरस्त जमाने की है, मतलब दे यूज टू बेरी देयर बेबीज इन द वॉल, मतलब वो एक पूरा फोर्ट बना हुआ है, फोर्ट के साइडों पे मतलब छोटे छोटे मतलब खाने, छोटे छोटे खाने मतलब 1 फुट बाई 2 फुट, इसी तरह मुख्तलिफ चैम्बर्स है। फिर मतलब जब मुझे पता चला है, आर्कियोलॉजिकल वालों को पता चला, जब उनको चैम्बर्स को थोड़ा मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो उसमें स्मॉल बेबी स्केलेटन्स थे, स्मॉल बेबी स्केलेटन को दिस आर्कियोलॉजिकल साइट इज स्टिल प्रेजेंट इन पंजगुर, तो वहां पे बेबी स्केलेटन थे वो पता गया। और फिर जब मुझे शौक हुआ, फिर ये जो ट्रेजर हंटर्स थे जिनकी वजह से हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को काफी नुकसान पहुंचा है, काफी नुकसान पहुंचा है, मतलब दे यूज टू डिग अप एवरीथिंग। और यहाँ पे एक वो मिथ है, या मतलब उसको एक इंडिकेशन बोलते हैं यहाँ पे, कि अगर ग्रेव का जो हेड है वो सनसेट की तरफ है तो देर इज ट्रेजर। तो और इन लोगों ने कर करके बहुत सारे ट्रेजर मतलब ट्रेजर हंटर वाले उन्हें निकाले भी हैं, विच आई हैव सीन मैनी माई सेल्फ। उन्होंने मतलब एक बुत निकाला था, और एक स्वॉर्ड्स वगैरह भी निकले हैं, आर्मर भी निकले हैं, तो ये है। और जो उस दिन मेहरगढ़ वाली बात कर रहे थे, मेहरगढ़ जो हमारा है, मेहरगढ़ ही ना हमारा, मैं भूल गया हूँ। जी, मेहरगढ़ ही है, बहुत पुरानी साइट है, मोहनजोदड़ो से भी पुरानी है। हाँ, मोहनजोदड़ो से पुरानी मेहरगढ़ को जब मैं विजिट करने गया था, मेहरगढ़ इज इन डाडर, डाडर वो रोड से तकरीबन कुछ ही फासले पे है। तो ये जिस तरह अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना ये चेम्बर्स वगैरह, तो एक मतलब ट्राइबल क्लैश में उसने मतलब जो वहां के सरदार थे उन्होंने इनको सबको ऑलमोस्ट मतलब ब्लेड कर दिया है, और जो कुछ बचे हैं वो वेदरिंग की वजह से उनकी कंडीशन बहुत खराब है। मगर आप एक आम खास मतलब एज नॉर्मल जाएंगे आप इसको साइट को फाइंड आउट ही नहीं कर सकेंगे। फिर मेहरगढ़ के बारे में मतलब ये पढ़ने में आता है कि इट्स ओल्ड साइट, ये मोहनजोदड़ो से भी पुराना है, और मेहरगढ़ में मुख्तलिफ मतलब पोएट्स किले वगैरह निकले हैं। जो मेहरगढ़ में जो सबसे ज्यादा मतलब जो निकला था, एक तो खजूर के सीड्स थे वो बहुत पुराने थे, और मतलब कुछ इस तरह किया था जो आजकल हम लोग बलूची ड्रेस पहनते हैं, वो भी मेहरगढ़ से मतलब उसका मेहरगढ़ उसके सिम्टम्स वगैरह मेहरगढ़ से भी फाइंड आउट किए गए। और इस तरह हमारे पास बलुस्तान में ताजमहल ऑफ बलुस्तान है, ये वो मोतीराम का जो टूम है वो ताजमहल ऑफ बलुस्तान कहलाता है, वो हमारे पास है गंदावा, जेल मक्सी गंदावा में है, उसकी उसकी भी हालत बहुत खराब है। और हमारे पास मतलब जितने किंग्स रह चुके हैं, मतलब जैसे कि किंग्स खान ऑफ कलात का किला, मतलब खान ऑफ कलात यूज टू बी कलात यूज टू बी स्टेट, वो कलात में उसकी भी हालत वेदरिंग की वजह से काफी खराब है, मतलब वो अभी एक डंप पता चलता है, मतलब पता नहीं चलता यहाँ पे किला हुआ करता था। नोशरवानी, नोशरवानी जो ट्राइब है वो खरान के स्टेट का बादशाह हुआ करते थे, तो उनका किला है वो मतलब अगर 100 में से बोले 50% वेदरिंग हो चुका है, मगर उसमें मतलब प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। और बलूचिस्तान में ये है कि मतलब इसको आप देख लें, मतलब जो डोमिनेंट सिटीज हैं, डोमिनेंट जो बारकान है, पंजगुर है, या किसी मतलब पश्तून बेल्ट में ले लें, हर सिटी में छोटे छोटे फोर्ट अवेलेबल है, फोर्ट्स वगैरह अवेलेबल है, वो मतलब कुछ खराब हो चुके हैं, कुछ को प्रिजर्व कर लिया गया है। वैसे जो मतलब वो बलोच के दौर में मतलब वो जो ब्रिटिश आर्मी से पहले वाले थे, वो ऑलमोस्ट हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट्स खत्म होने के उसमें, फिर जो प्रिजर्व हो चुके हैं वो मतलब ब्रिटिश आर्मी के बाद वाले साइट्स हैं, वो अभी तक रहते हैं। थैंक यू। नहीं, मुझे आर्कियोलॉजी के बारे में तो इतना नहीं पता, मैं बस ये किताबें ढूंढ के आप जो कह रही थी मैं उनको शेयर कर रहा था ग्रुप के अंदर, तो मैं वो कर रहा हूँ फिलहाल। बहुत दानिश ने जो है अभी फोक टेल के हवाले से बलोची एकेडमी उनकी वेबसाइट शेयर की है, वहाँ पे बुक्स मिल जाती हैं, आप ग्रुप में देखिएगा दानिश ने जो लिंक शेयर किए हैं। सुहेल, आपने कुछ ऐड करना चाहेंगे आर्कियोलॉजी या सारे कदीमा जो बलोचिस्तान में है उसमें, या कोई कमेंट आपका कोई? आर्कियोलॉजी में खैर मुझे भी इतना खास कोई इल्म नहीं है कि मैं, और मैंने पढ़ा भी नहीं है इस हवाले से कि एक्चुअली जो मतलब मुझे इतना आइडिया है कि काम थोड़ा बहुत हो चुका है इन चीजों के ऊपर,
तुर्बत में जहाँ मैं रहता हूँ, खुद मैं ऐसे गया हूँ साइट्स पे जहाँ पे काम हुआ है, मैं एक टाइम पे मैंने काम करते हुए भी देखा है लोगों को। लेकिन एग्जैक्टली उन साइट से क्या स्टडीज निकाले हैं कि बलोच किस तरह के सोसाइटीज में रहते थे या फिर किस तरह का उनका एक माशरा था, उस हवाले से मुझे कहा नहीं। लेकिन आज जो वंडलिज्म की बात हो रही थी उसका मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ कि मैंने खुद वो सारे मतलब पोटरीज देखे हैं जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां से भी लोग इन चीजों को निकाल निकाल के बेच रहे थे। हमारे अपने जानने वाले भी और दूर दराज से भी लोग आते थे, मेरे अपने घर में भी, मतलब वो ऐसे करके जो चीजें मेटल के नहीं होते थे वो उनको यूज नहीं ऐसी बल्कि फेंक देते थे, उनमें पोटरी था, उनमें दूसरी चीजें थी। तो ये सब मैंने देखे हैं बलूचिस्तान में, अभी भी हो रहे हैं सिचुएशंस की वजह पे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन मुझे स्टडीज का नहीं अंदाजा कोई बात। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। और जी, अभी मतलब फ्यू ईयर बैक, मतलब फ्यू मेरे ख्याल से 10-11 साल पहले, हमू ने माशकेल है द ग्रेट साल्ट लेक ऑफ बलूचिस्तान, वो माशकेल में ना, मतलब मैंने थोड़ा लिटरेचर उसके बारे में स्टडी किया। दिस साल्ट लेक यूज्ड टू बी अ बिग लेक, मतलब एक जमाने में, मतलब जब ग्राउंड टेबल वाटर वाटर अप होता था तो ये लेक हुआ करता था, तो उसके आसपास अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी। तो वहां पे मतलब एक बंदे ने इसी तरह एक साइट था, मैं उस पे विजिट भी कर चुका हूँ उस साइट पे, मतलब वहां पे उसने साइट पे भी कमरे बनाए हुए हैं, तो उसने उसको साइट को डिग करने की कोशिश की है, तो वहां से एक मम्मी निकली थी। मम्मी निकली थी तो मम्मी की मतलब वर्थ मिलियंस में थी, $1 मिलियन में थी। तो मतलब उसने वहां से वो मम्मी निकाली, वो प्रिंसेस टाइप मम्मी थी, उसपे सोशल मीडिया पे उसकी फोटोज वगैरह भी हैं। मम्मी निकली थी वो, मतलब उसको मम्मी को किसी न किसी थ्रू स्मगल करके कराची में ले गए थे, और आई थिंक वो कराची एयरपोर्ट में पकड़ी गई थी, तो कराची एयरपोर्ट में पकड़ी गई थी, फिर उसको सीज कर लिया गया था। वैसे मतलब अभी ये नहीं पता चला कि हाउ ओल्ड वाज दिस मम्मी, और दिस वाज दिस मम्मी रियल और नॉट, तो इस चीज के अभी तक न्यूज कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि माश्केल में से वो प्रिंसेस वाली मम्मी निकली थी। तो मतलब इस तरह हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, और जिस तरह सोहेल साहब ने कहा था, मतलब यहाँ पे चीजों को, मतलब लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता, इम्पोर्टेंस नहीं पता। ये जो जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह मैंने विजिट किए, इन पे मतलब इंचों पे घोड़े बने होते हैं, और आई डोंट नो मतलब घोड़े उनके लिए क्या वो रखते हैं, घोड़े और एनिमल्स वगैरह बने होते हैं। बाकायदा मैंने खुद पर्सनली ये जो इंचे मतलब मुझे मिली है, मैंने क्वेटा में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहां तक पहुंचाए कि भाई टेस्ट दे, एटॉमिक टेस्ट करो, इस्लामाबाद भेजो, क्या पता तो चले कि हाउ ओल्ड आर दीज। तो ये मतलब जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे अपने रिसर्च है, मतलब इंटरेस्ट के थ्रू मैं तब मैं करता गया हूँ। तो आर्कियोलॉजिकल के लिहाज से हमारे पास बहुत कुछ है, और मतलब वो तेजी से जाया होता जा रहा है। और मतलब बाकी अगर मुल्कों की बात की जाए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स थोड़े मजबूत होते हैं। हमारा जो ये है, हमारी मतलब बलूचिस्तान के लिहाज के हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, दे आर मेड ऑफ मड। मेहरगढ़ से शुरू करो, ये सारे टूम्स वगैरह, ये जितने फोर्ट्स वगैरह हैं, अभी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज मेड ऑफ स्टोन, वो अभी तक प्रिजर्व है। हमारा जो बलूचिस्तान में जितने भी फोर्ट्स हैं, खान ऑफ कलात का फोर्ट है, नौशरवानियों का फोर्ट है, या मतलब ये छोटे मोटे फोर्ट है, ये देखिए पिक्चर में नजर आ रहा है, ये मतलब ये वो अशोक पंचगुर, ये वो ब्रिक्स मेड ऑफ मड, तो वेदरिंग की वजह से अच्छा खासा डैमेज हो चुका है, मतलब अच्छा खासा डैमेज हो चुका है, और आस्ता आस्ता मतलब ये खत्म होते जा रहे हैं, और कुछ तो मतलब इनकी कंडीशन इतनी खराब है कि पता ही नहीं चलता कि ये लोग डिस्ट्रॉय हो चुके। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तैमूर साहब भी मौजूद है। तैमूर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे बलूचिस्तान के आर्कियोलॉजी या कुछ नहीं, मैं साइंटिफिक तो रिसर्च? इतना नहीं जानता, यहाँ डॉक्टर अजीम शाह हैं, उन्होंने एक दो अच्छी साइट्स का बताया, वो जो ताजमहल ऑफ बलोचिस्तान है उसके वाले से एक और मकबरा भी उस एरिया में, वो वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर शामुद्दीन उस एरिया का नाम बताएं तो सर्च करके वो उसको हम शेयर भी कर लेते हैं, या आप कर लें शेयर। डॉक्टर साहब अगर ऐड करना चाहें कुछ तो कर सकते हैं, डॉक्टर ताजमहल अजीम। ऑफ बलूचिस्तान गंदावा में सर, गंदावा जेल मक्सी, जो डॉक्टर साहब शेयर किया हुआ है, ये बोलान कच्ची एरिया में, ये खान ऑफ कलात का, मतलब हाँ वो जब वो गर्मी सर्दियों में मतलब कलात ठंडा हो जाता था,
तो बोलान कच्ची के एरिया में जाते थे, तो उनका जो महल है या उसमें वो स्टे करते थे। जी। मेरे ख्याल से हमें जब हमने बलूचिस्तान मुकालमा किया था चंद साल पहले, उसमें एक साहब ने प्रेजेंटेशन की थी उस आर्किटेक्चरल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत बुरे हाल में था मगर फिर भी बहुत खूबसूरत था। तो आर्किटेक्चरल क्योंकि बहुत सारी ये थी स्टेट्स, तो अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर है, तो उस पर मेरे ख्याल से अलग से एक करना चाहिए सेशन आर्किटेक्चर। जो एक तो आर्कियोलॉजी तो एंशंट साइट्स है ना, आज उसको हमने थोड़ा सा देखा है, मगर जो फिर आर्किटेक्चर कह रहे मिडिवल पीरियड और रिसेंट सेंचुरीज का, वो भी बहुत है, जी उसमें अलग जी से हाँ कर। तैमूर साहब, यह है कि बलूचिस्तान में मतलब जो एरिया मैं विजिट कर चुका हूँ, हर किसी का आर्किटेक्चर जो है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल खुजदार में, खुजदार नहीं सॉरी, जियारत में मतलब पत्थर के घर बने होते हैं, ऊपर वो टीन वगैरह रखे होते हैं और वो हमेशा स्लोप में होते हैं। क्यों? जब स्नोफॉल होती है तो स्नो मतलब बर्फ वहां पे टिक नहीं जाए और नीचे गिर जाए। पंजगुर और वाशो के जो हमारे एरिया में है, जो मोस्ट कंफर्टेबल घर है वो मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी मतलब मड के बने होते हैं। और हमारे अगर आप पंजगुर में आएंगे मतलब हमारे जितने भी घर बने हुए हमारी मतलब कोशिश होती है कि वो साउथ फेस करें, अच्छा फेस करें, ताकि सर्दियों में हवा चलती है, जिसको हम लोग बरूची में गुरीज बोलते हैं, गुरीज बोलते हैं, द नॉर्थ विंड होती है ना, वो बड़ी तेज और हार्श होती है, तो सही। वो मतलब उससे हम लोग बच सके और मतलब डिजाइन के होते शेड से। तो इसी तरह मतलब जो वाशुक वाले हैं, मतलब अभी भी मतलब मैंने उनको देखा है, मतलब दे प्रेफर हम लोग उसको कुटेक बोलते हैं, कॉटेज मेड ऑफ वो खजूर के पत्तों से वगैरह बनाने के लिए, ताकि वेंटिलेशन वगैरह अच्छी। सही और जी। ये जो ये मतलब अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये मतलब इसमें वो जो ग्रेव्स थे गुजर गए, वो हाँ मतलब बहुत पुराने ग्रेव्स हैं, वो लसबेला में है ऊपर ऊपर। बेला टाउन और ये चेतलस बेला में। हाँ ये मतलब ये पत्थरों को कार्व करके, मतलब खास तौर पे वो नहीं, जो समंदर के पास पत्थर होते हैं उनको कार्व करके बनाए होते हैं नीचे नीचे। ये वाला जी हाँ मतलब ये पत्थर बने होते हैं, और ये इस पिक्चर में काफी छोटे लग रहे हैं, मैं इनके साथ मतलब अगर खड़ा होता था तो ईच ग्रेव इज ऑफ 7 to 8 feet, हाँ, ये सारा हैंड क्राफ्ट है। ये झलमकसी आ गया, मोती जो आप कहते हैं, टूम ऑफ मोती गोराम। ये मोती ताजमहल ऑफ, दिस इज द ताजमहल ऑफ बलूचिस्तान। अमेजिंग, विजिट किया जा सकता है। जी हाँ इजीली, काफी आसान है, मतलब आपने जेलमक्सी जाना है, और जेलमक्सी जो टाउन है वहां से 20 मिनट के राइड पे ये है मोतीराम। अच्छा और ठीक है। मतलब यहाँ से बलूचिस्तान की मतलब बताया जाता है कि सिकंदर आजम भी बलूचिस्तान से होके गुजरे हैं, तो मतलब बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे बताया जाता है कि वो उनके जनरल्स वगैरह के ग्रेव्स हैं। और अगर आप हंगोल नेशनल पार्क में जाएंगे, अंगोल नेशनल पार्क में वहां पे स्टार्टिंग में वहां पे मतलब ये बोलते हैं कि मतलब द सोल्जर ऑफ मोहम्मद बिन कासिम के ग्रेव्स हैं वहां पे, बकायदा साइट बनी हुई है, और वो बड़े बड़े ग्रेव्स हैं उनपे, मतलब कैलीग्राफी वगैरह उसी तरह हुई है। अच्छा, ये तो कमाल बात है, जबरदस्त। वी आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात भी करें मतलब बहुत हैं, और मतलब अगर हम लोग उनको अच्छी तरीके से स्टडी वगैरह कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर आई डोंट नो व्हेन, जब तक ये चीजें वैनिश ना हो जाए, मतलब हमारे लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या था और क्या नहीं था। हम लोग मतलब मैं अपने सर्कल में देखता हूँ, मुझे और मतलब कुछ स्पेसिफिक लोगों को उनमें इंटरेस्ट था, अगर ये इंटरेस्ट मतलब खत्म हो जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि ये क्या है क्यों है उनमें। मतलब अभी जैसे कि ये जो जिस आर्कियोलॉजिकल साइट की बात मैं कर रहा था, वो मतलब मैं मुझे पता है कि वो पर्शियन के ग्रेव्स हैं, मतलब आशीष आतिश परश लोगों के ग्रेव्स हैं, मगर उसका लोगों ने नाम चेंज करके शाहू कलंदर रख दिया है और उसको अच्छा एक छोटे से मजार में कन्वर्ट कर दिया है, और उस पे मतलब एक ग्रीन कलर की चादर पे लाई हुई है, और वहां पे आके आई डोंट नो इबादत करते हैं या दुआ मांगते हैं। कमाल जी, बहुत
सही है आपने कहा, इस पे बात होनी चाहिए और लोगों को इसको आगाही पाकिस्तानियों को दिलानी चाहिए ताकि जी शायद हाँ बच जाए चीजें। जी फिर बहुत खूब शहाबुद्दीन साहब, आपने ऐसी ऐसी जगह आज उनको उनके बारे में जिक्र किया है जो हमारे बिल्कुल इल्म में नहीं थी, स्पेशली ये जो आपने बलूचिस्तान का ताजमहल का जिक्र किया, तैमूर साहब ने उसको वो भी दिखाए और बाकी जगह भी सारी की सारी, बेशक एक लाजवाब खजाना है बलूचिस्तान और उसमें बसने वाले लोग और उसकी जो सकाफत है, और आज उपने जो उनकी कहानियां सुनाई फोक जो टेल्स वगैरह थी, उससे हमें बलोची थोड़े कल्चर का भी पता चला कि कितनी हाई वैल्यूज इस कॉम में पाई जाती है इखलाकी। और किसी का हमारे हाजरीन में से किसी का सवाल हो तो फिर हम इजाजत चाहेंगे, कोई सवाल या कोई कमेंट या कुछ ऐड करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सिनेमा के बारे में भी बता सकेंगे कि कौन सी बलोची फिल्में हैं जो देखनी चाहिए, क्योंकि हाँ मैं खुद फिल्म मेकर। बलूची सिनेमा में मतलब सिनेमा इतना डेवलप है तो नहीं वहाँ पे बलूचिस्तान में, कोई सिनेमा अभी तक नहीं है वैसे। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने काम किया और वो काम देखने लायक है। खासकर उसमें हमारे बलूची जुबान के अनीफ शरीफ हैं, एक अच्छे डायरेक्टर हैं, वैसे लिखते भी हैं बलूची में, राइटर भी उनकी फिल्में हैं, बलूचिस्तान होटल और मणि प्रताप रात ने। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो सब टाइटल्स के साथ होंगे या नहीं होंगे। कमालन बी वगैरह हैं उनकी कुछ फिल्में हैं, और वकार दानिश की कुछ फिल्में हैं। मैं ग्रुप में फिर सेंड कर दूंगा उनके पोस्टर्स और यूट्यूब साइट्स वगैरह। हेलो और इलियास अलबख्श हैं, मतलब वो लैंडस्केप के फोटोग्राफर्स हैं एक तरह से। वो मतलब बलूचिस्तान में जिन लोगों से मिला उसने बहुत ज्यादा बलूचिस्तान देखा है। वो अपने बाइक पे घूमे हैं, मतलब बिल्कुल गरीबों वाला, और कैप्चर भी किया है। उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा, वो भी आ सकते हैं अगर उनका कोई एक्सपीरियंस पूछना चाहे कि उनका सोलो ट्रैवल कैसे रहे हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ साइट्स को देखने का ये सब। तो इलियास अलबख्श भी आ सकते हैं।